Hello everyone, myself Kirti Chaudhary, I am a student of class 10th और हम आज की वीडियो में करने वाले हैं अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स, और अब हम ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, राइट। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए वन बाय वन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक्स को देखते हैं। सो जैसे कि चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो मैग्नेट देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। मींस टू से दैट मैग्नेट वो होता है जो आयरन को या फिर आयरन के जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आयरन मतलब लोहा, और आयरन के जैसे सब्सटेंसेस आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कोबाल्ट, एंड आप निकल, निकल इज ऑल्सो द आयरन लाइक सब्सटेंस विच द मैग्नेट्स अट्रैक्ट। सो इस टाइप के होते हैं आयरन लाइक सब्सटेंस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। उसके बाद मैग्नेट पता चल गया आपको, जो आयरन जैसे और आयरन को अट्रैक्ट करता है उसको ही हम मैग्नेट बोलते हैं। आफ्टर दैट लेट वी डिस्कस सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सो फर्स्ट इज अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कि एक जो फ्री सस्पेंडेड मतलब फ्री मैग्नेट होता है, मीन्स फ्री मैग्नेट का मतलब है कि मैग्नेट रखा है उसके पास कुछ नहीं है, दैट्स फ्री। ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, हमेशा उसमें दो डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि हम बार मैग्नेट को ले लेते हैं, दैट्स हैव द टू डायरेक्शन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकेंड इज दैट द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सेकिंग और नॉर्थ पोल। कि जो मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है उसको तो हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि जो साउथ की तरफ होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। आफ्टर दैट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स टू से दैट कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, लाइक पोल्स मीन्स एक जैसे पोल्स, मीन्स अगर सपोज दो मैग्नेट हैं हमारे पास, इसका साउथ पोल है इसका साउथ पोल है, दोनों के सेम पोल्स हैं, तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाना। अगर इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है तो फिर भी ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, बिकॉज दीज आर द लाइक पोल्स मीन्स सेम पोल्स। एंड अदरवाइज अनलाइक पोल्स मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स अगर अनलाइक पोल्स हुए, मीन्स एक मैग्नेट ये है एक मैग्नेट ये है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है, तो ये होंगे अनलाइक पोल्स मीन्स डिफरेंट पोल्स, अलग अलग पोल्स, तो ये होंगे अट्रैक्ट मीन्स एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचे आएंगे, खींच के चले आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे साउथ पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल है फिर भी अट्रैक्ट ही होंगे, मीन्स अगर सेम पोल है दोनों तरफ तो रिपेल होंगे, दूर जाएंगे, और अगर अनलाइक पोल्स है मीन्स डिफरेंट पोल्स है सो दे विल अट्रैक्ट। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कि एक मैग्नेट के पास जो एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड वर्ड सुनते ही हमें समझ आता है कि एक फील्ड मतलब एक एरिया जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो सके, या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सके, दैट्स ऑल अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे ही है सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जहाँ पे चार्ज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फिर जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स चलता है। जैसे कि आप खुद सोचो, आपके पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक आयरन का पीस रखा हुआ है, तो
अगर यहाँ अगर वो उससे दूरी पे है, आयरन का पीस उससे थोड़ा दूर है मैग्नेट से, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितना उसको पास लाओगे इतना ही मैग्नेट भी उसको अट्रैक्ट करेगा, आप और पास लाओगे और अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल उस, फिर आप इतना पास लाओगे ना तो एकदम एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सो होती है मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आएगी आयरन तब तक मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मीन्स एक लिमिटेशन होती है ना कि यहाँ पे आयरन होगा और यहाँ पे मैग्नेट होगा तभी अट्रैक्ट होगा। ये तो नहीं है कि आपने बाहर मैग्नेट रख दिया, घर के अंदर आपने आयरन रख दिया कि अब अट्रैक्ट तो हो नहीं रहे, आप ये कहने लग जाओ, दैट्स नॉट ना। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैग्नेट होगा सो दैट्स देन वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट, और ये भी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी होती हैं, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वैक्टर क्वांटिटी। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैक्टर क्वांटिटी है बिकॉज उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें हैं उसके पास, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, बट इट कंटेन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन आ सकता है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, सो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये ना एक इमेजिनरी लाइंस होती है। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमें दिखाने के लिए कि मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, आउटसाइड और इनसाइड। अभी आपको आउटसाइड इनसाइड समझ नहीं आएगा, हम आगे देखेंगे इसको भी। आप अभी फ़िलहाल ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैग्नेट की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बस हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं ताकि हम दिखा सकें कि डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है। एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इमेजिनरी लाइंस दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड अ मैग्नेट। कि जो मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं, उसकी डायरेक्शन को बताती हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मैग्नेट दे रखा है, अब हमें पता करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, मीन्स सब्सटेंस कहाँ रखा होना चाहिए जो अट्रैक्ट कर लेगा, या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं और उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पता चल रहा है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे नॉर्थ से जाके सीधा साउथ में मर्ज हो रहा है, मीन्स साउथ में जाके इकट्ठे होना, यहाँ से ऐसे आ रही है लाइंस, राइट। तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि जैसे हमने बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट की पढ़ी है, ऐसे हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे आउटसाइड और इनसाइड वाली, वो ये वाली चीज़ है, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, विल नेवर कन्फ्यूज आफ्टर दैट। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कि मैग्नेट के आउटसाइड का मतलब ये है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ऐसे मैग्नेट गिवन है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है। आउटसाइड द मैग्नेट, राइट, आउटसाइड मीन्स यहाँ से ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इमेजिनरी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होने वाला है ये, ओके। इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आप ऐसे याद कर लो उसको कि आउटसाइड द मैग्नेट दैट इज नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, एंड इनसाइड द मैग्नेट दैट इज साउथ टू नॉर्थ। तो आप ऐसे याद कर लो, एज़ॉन याद कर लो, आउटसाइड मीन्स नॉर्थ पहले आएगा, इनसाइड मीन्स साउथ पहले आएगा, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट दे आर कंटीन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। ये कंटीन्यूअस होती हैं और एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप से, दिस वन यहाँ पे मैग्नेट होता है, ऐसे क्लोज कर्व फॉर्म करती है और ये कभी भी मिलती नहीं है। मीन्स जैसे ही मैग्नेट है, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये ऐसे जाएंगी ना कि ऐसे, मिल नहीं सकती है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे में मिलती नहीं है, जुड़ती नहीं है. दैट्स ऑल फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व. आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी देखो ये आ गई ये वन लाइन की कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है वो एक दूसरे को. After that, if field lines are close, field is stronger. If field lines are far apart, field is weak. इसका मतलब ये है कि magnetic field lines अगर close है, इस type से है, तो means जो field है वो बहुत ही strong है. और अगर magnetic field lines ऐसे हैं, far away है, so means the field is weak. ये बात भी याद रखनी है कि अगर close है, तो field line is stronger. और अगर far away है, so that is weak. Now come to the next topic. Magnetic field due to current carrying conductor. इसमें सबसे पहले आता है ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. कि ओरेस्टेड ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब देखो ओरेस्टेड का पूरा नेम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड. हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. मीन्स टू से दैट कि ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में. करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है मतलब कोई भी कंडक्टर, सभी कंडक्टर करंट कैरी करते हैं. एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी भी कंडक्टर का ले लीजिए, सोलेनोइड ले लीजिए. सोलेनोइड इज ऑल्सो कंडक्टर विच कैरीज द करंट. ओके, सो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम सोलेनोइड का एग्जाम्पल लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे अगर किसी कंडक्टर में, मींस अगर हम सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. ठीक है, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स सपोज वी आर हैविंग अ सोलेनोइड, एंड अगर हम इस सोलेनोइड में अपने करंट को फ्लो कराएं, ओके, सोलेनोइड में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और हमने भी सीखा है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस का, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ओके, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा सकते हैं. यहाँ पे बता सकते हैं इट इज़ द साउथ पोल और इट इज़ द नॉर्थ पोल. दैट्स ऑल. ओके, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड दैट्स ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल. कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मैग्नेटिक नीडल लेनी होगी. आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अगर आपको घर पे एक्सपेरिमेंट करना है. मैग्नेटिक नीडल को लीजिए, तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी. जितना ज़्यादा करंट होगा, इतनी ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगी, राइट, और जितना कम करंट होगा, इतनी कम डिफ्लेक्ट करेगी. और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स्ड है, मीन्स जो उसकी डायरेक्शन होती, क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है ना, तो अगर रिवर्स है उसकी डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो डिफ्लेक्ट भी वो रिवर्स डायरेक्शन में ही करेगी. मीन्स कंक्लूजन ये निकल के आया है कि अगर आपको डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो आप मैग्नेटिक नीडल का यूज़ कर सकते हैं. थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ओरेस्टेड शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना. मीन्स जो ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे बस ये बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो मैग्नेटिज्म होता है, दोनों ना रिलेटेड फिनोमिना है. मीन्स एक जैसा फिनोमिना है, क्योंकि हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना लगाया ना, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने क्या लगाया, करंट फ्लो करवाया, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. मींस दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, तो यही रिलेशन ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक. हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करा सकते हैं, तो अगर हम उस कंडक्टर में करंट फ्लो करा दें, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी किससे, करंट फ्लो कराने से. लेकिन अब की बार जो हमारे पास कंडक्टर है, दैट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर. एज यू कैन सी इन द इमेज, एनसीईआरटी की ही इमेज है ये वाली. स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया है. देखो यहाँ पे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में की लगाई, उसके बाद हमने
बैटरी लगा दी, उसके बाद एमिटर लगा दिया, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट्स ऑल। और इसमें मतलब फाइनली ये जो सब झंझट किया है ना हमने, करंट फ्लो कराने के लिए किया है, पर हमारा मेन मोटिव ये है दैट अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। मीन्स अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगी, कंडक्टर तो है ही ना वो, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बस उसमें डिफरेंस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, वो एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ऐसे सर्कल्स, दिस टाइप, एज यू कैन सी ऑल्सो इन द इमेज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल व्हेन इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ये नहीं पता हमें, वो कैसे पता चलेगा, वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है तो वो भी ऐसे ही उसी डायरेक्शन में जाएगी। मीन्स जो भी करंट की डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल गो और फ्लो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। या फिर फॉर्मूला बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम देयर। आई से हम करंट को डिनोट करते हैं ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बट वेरी ईजी। देखो अब इसमें क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड। मीन्स अपने राइट हैंड में आपको एक वायर लेनी है, ठीक है, एक वायर लेनी है अपने राइट हैंड में, और फिर इन सच अ वे दैट स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ अ करंट। कि अपने हैंड का जो थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको इस टाइप से पॉइंट करना है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वायर जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देखो इसने अपने राइट हैंड में एक वायर लिया है और अपने थंब को ऐसे ही पॉइंट किया जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ अ कर्ल फिंगर, जो हमारी फोर फिंगर्स बचती है, इनको हम कर्व करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा सके, दैट कैन शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, कि उससे हमें कर्ल फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाए। अब लेट इट मोर इट मोर मोर क्लियर। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ इस एक्सपेरिमेंट को एक बार। देखो ये मेरा राइट हैंड है, सपोज मैंने वायर ली है, सपोज इट इज़ अ वायर, ठीक है, और इस वायर में जो करंट है ना वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट जा रहा है। मींस इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे वाले डायरेक्शन, तो मैंने अपने राइट हैंड में ली वायर, ठीक है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मींस अब मुझे अपने थंब को भी इस टाइप से रखना है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो फोर फिंगर्स जो कर्ल हुई है, मींस फोर फिंगर्स जो मेरी ये वाली, ये फोर फिंगर्स कर्व हुई है, ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है ये। अब देखो कैसे बता रही है मैग्नेटिक, अगर करंट ऐसे जा रहा है और मेरा थंब ऐसे है, ठीक है, और ये जो फोर फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, मैक्सवेल्स लाइट हैंड थंब रूल ये तो बताता है। तो इसका मतलब ये है, देखो ये सपोज मेरा थंब है, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब भी ऐसे ही होगा, और जो कर्ल फोर फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही है। देखो तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इस टाइप से साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ठीक है, तो और मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हमें यही पता चलता है कि आपके पास एक वायर है, वायर का करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सपोज हमारे पास ये वायर है, इसका करंट अब ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मीन्स हमने ऐसे वायर ली, और तो हमें इसको कैसे करेंगे, अब हमें इसे ऐसे पकड़ना होगा ऐसे, ठीक है, अब जो कर्ल फिंगर्स है, अब फिर ये डायरेक्शन शो कर दिया, अब जो डायरेक्शन है